नमस्कार दोस्तों, आपने एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं, जिला दर्शन, राजस्थान का भूगोल। इसी के साथ कुछ मित्र जो अपने रीट में, पीएसआई में साइंस सब्जेक्ट से जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और पीएसआई में, तो एनसीईआरटी की 9th क्लास का लेसन 13, हम बीमार क्यों होते हैं, उससे मैंने प्रयास किया है कि वहाँ से हम शुरू करें। वैसे मैंने साइंस पे 5-6 वीडियो पहले से डाल रखे हैं, उसको देखें आप। तो शुरू करते हैं अपने, जो हम बीमार क्यों होते हैं उस पार्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आएगा। मैंने जो पुराने पेपर हैं उनको देख करके, एनसीईआरटी को देख करके, संक्रामक और असंक्रामक रोग हैं वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो जो संक्रामक रोग हैं, लगभग जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग, तो उनमें से अपने पहले संक्रामक रोगों में जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, और इनको एक ऐसे ट्रिक में सेट करने का प्रयास किया है, वो आपके, देखो याद तो आप सबके होते हैं, अपने रट भी लेते हैं। अपना प्रयास करांगा कि वे चीज़ा एकदम अपने कंठस्थ हो जाए, एक ही ट्रिक में सारा जीवाणु द्वारा होना रोग याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम में रोग डाल दे वो और आपको पूछे के वो जीवाणु हुए, एक विषाणु हुए, कवक हुए या प्रोटोजोआ हुए, तो भी आपा सुमेलित करनो को नहीं अपन, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। तो इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आपन याद रखनी है इन ट्रिक ने, अदरवाइज खोल लेनी। जीवाणु से होने वाले रोग में आपा सिंपल सो पटाखा सी कुड़ी बिंगो नाम है टीना के है ट्रिक है पटाखा है ना, पटाखा सी कुड़ी, कुड़ी किसी के पटाखा सी, और बिंगो आप आगे करानी, बिंगो के नाम है, तो बिंगो नाम है टीना, टीना में ना है वो है साइलेंट, क्यों नाम में पहले ना अठापा ले लियो। तो याद करनी है पहले ट्रिक, पटाखा सी कुड़ी और बिंगो नाम के है टीना है ना, और टीना है तो थन ध्यान ये ना जीवाणु से होने वाले रोगों की लिस्ट बन जाएगी। अपने यहाँ देखते हैं, अपने यहाँ रोग का नाम लिख लेंगे, यहाँ होने वाले जीवाणु का, ये बहुत कम पूछता है फिर भी मैंने एक लिस्ट बना दी है, टेबल फोर में अपने याद करेंगे। संक्रामक यानी रोग, संक्रमक, संक्रामक है तो संक्रमण का कारण क्या है, माध्यम क्या है, उसको यहाँ डाल दिया है, और कोई विशेष बात है तो उसको अलग से पढ़ लेंगे। तो पटाखा में पै से बन जाएगा प्लेग, प्लेग रोग है वो होता किससे है, यर्सेनिया पेस्टिस। अगर अपने को बहुत डीप में पूछता है तो देखना है अपना जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, यर्सेनिया पेस्टिस, और इसका माध्यम संक्रमण का क्या होता है, चूहे, यानी प्लेग है बा चूहा ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। पी फिर पटा, टा से क्या बन जाएगा, टा से टाइफाइड है ना, इन मोती जरा भी कहा, इन आपा के कहा मोती जरा भी कहा, ठीक है। और लगभग उज को रोग है वो अपनी छोटी आंत में हुए, कटे हुए छोटी आंत में, और छोटी आंत में अगर ज्यादा दिन रह जाए तो भी छेद हो जाए, उससे अपनी मृत्यु भी हो जाती है। आ एक साल्मोनेला टाइफी, किससे होता है ये, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी के नाम पे इसका नाम क्या है, टाइफाइड। साल्मोनेला एक मतलब कुक को काम करती, और एक घर दूसरे घर में जाती तो रोग मां घर में फैलता जाता, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है इसमें, छोटी आंत, तो पूछ लेता है काफी बार। इसका मेन संक्रमण दूषित जल या दूषित भोजन से होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग का प्रसार का माध्यम क्या है, या तो दूषित जल या फिर दूषित भोजन। फिर अपना पटाखा, पटाखा में का मतलब है काली खांसी, अरे कुकर खांसी बोला नहीं, गंड का त्रिया धासन ला जाए आप बार बार, तो उसका मेन रोगजनक यानी जीवाणु कौन सा है, बार्टेडेला पर्टुसिस, यानी वो नाम याद रखना है पर्टुसिस। अपन डीपीटी को टिक्कू लगवावा तो भीम अपनी काली खांसी भी आवे, भीम पी से बदले भीम अर्थ वही है पर्टुसिस है ना। जी हाँ, आप खांसा तो ड्रोपलेट के माध्यम इंगा जीवाणु हवा मुड़ जाए, तो इसके मेन संक्रमण का कारण क्या है, हवा, ठीक है। अब पटाखा सी, सी का मतलब है सिफिलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिफिलिस, सिफिलिस है इसका रोगजनक काफी बार पूछ लेता है। ट्रिपोनेमा प्लेडियम, एक तो है ट्रिपेनसोमा, वो तो आप पढ़ से अगले प्रोटोजोआ में अफ्रीकी निंद्रा रोग रोगजनक है, जबकि ये ट्रिपोनेमा है ये अपने देख लेते हैं, ये अपना जीवाणु है और इसमें
संक्रमण का मेन कारण है संभोग। अपन केस का वो जननांगों संबंधित रोग है, जननांगों से संबंधित है ना, तो ये संभोग से फैलता है। इसमें जो जननांग होते हैं उसमें लाल चित्ते से पड़ जाते हैं। तो सिफिलिस में सिद्धों भी पूछ रहे हैं ये किससे संबंधित है, तो ये जननांगों से संबंधित है, जननांग जो होते हैं जननांगों से संबंधित है ना। अब अपना पटाखा से कुड़ी में कुड़ी में याद रखा, कु से बन जाएगा कुष्ठ रोग और डी से बन जाएगा डिप्थीरिया। कुष्ठ रोग अपन बहुत बार यानी कोडियो रोग जगह ना बोलता, बिंगो रोगजनक बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम दो जगह आसी, एक तो माइक्रोबैक्टीरियम आसी अपने टीबी में, तो माइक्रोबैक्टीरियम इनको वंश है और इनकी जाति लेप्री, लेप्री जाति है बात तो फैलावा है कुष्ठ रोग, और इनकी ट्यूबरक्लोसिस जाति है बा फैलावा है टीबी रोग, दोनों इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबैक्टीरियम है इंगले ध्यान से का कुष्ठ हो जाती बना अपन घरों अलग रखता ताकि कुष्ठ रोगी है दूसरे रोगी के संपर्क में ना आवे है ना। एवं प्रभावित होना रोजों को अंग है वो है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। कूड़ी डी में है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया है इंगो सिंपल सो नाम है कोरोनी बैक्टीरियम या डिप्थीरी बैक्टीरियम इंगे द्वारा फैले। ए में के मैं आपने जी की श्वास नली है, डी अंदर श्वास नली में जो आप प्रवेश करें बी में बैक्टीरिया वो झिल्ली बना ले सफेद रंगी, भी वो अपन श्वास में दिक्कत आवे तो इसके लिए मैन इसमें है वो प्रदूषित भोजन से होता है ये, और इसका इंपॉर्टेंट है टिक्का, डीपीटी का टिक्का। तो डी शब्द है उसका मतलब है डिप्थीरिया, पी शब्द का मतलब है पर्टुसिस और टी शब्द का मतलब है टिटनस है ना। तो तीन डीपीटी गुटी को तीन रोग हम लगे, डिप्थीरिया में, काली खांसी में और टिटनस में। तो काली खांसी नाम है वो इंगे जीवाणु लेडो है वो जाती हूँ पर्टोसिसम कुड़ी। ना ना का मतलब है निमोनिया, नए शब्द का मतलब है निमोनिया। अरे आपने कई बार सांस बाजन लाजे, इसमें सबसे अधिक अंग पूछता है तो सबसे अधिक अंग है अपने फुफ्फुस यानी फेफड़े, फेफड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित। अब तो कोरोना हुआ ला रहे है ना कोविड हूँ, बाकी अगर जीवाणु की बात करें तो निमोनिया है यानी फेफड़ा में पानी सब सांस बाजन लाजे अपनी छाती बाजन लाजे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है न्यूमोनी, और जी यहाँ पर रोगी व्यक्ति के संपर्क में आऊंगा बींग सांस हूँ आपने अंदर वो फैल जासी। मैनिनजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेकर आप दिमाग की बुखार बोला और सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु से भी होता है, दिमाग की बुखार विषाणु भी हो जाए तो, और इसके लिए अपने कोई पहले जीवाणु में भी रखेंगे विषाणु में भी रखेंगे, सैम इसका कारक है। अब है नाम, नाम आ गया, नाम है शब्द से मतलब है हेजा, हेजो बहुत है गर्मी हम ध्यान है आप अगर दूषित पानी पी लिया। इसका रोगजनक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है विब्रियो कोलेरी। अरे रोगजनक तो सारा ही जीवाणु है लेकिन ए जीवाणुओं का नाम है, तो हेजा को जीवाणु नाम है विब्रियो कोलेरी, और ओ थान ध्यान है जो दूषित जल हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है याद रखना। अब है टीना, नाम है टीना, बिंगो ना पर नीचे लिख दियो क्योंकि अठे जगह थोड़ी कमी, बिंगो नाम है टीना। तो टी ना ना आपने साइलेंटर को नी टी से अपने टी फोर थ्री, तो यूं तीन दो क्या लिखना है, अरे टी टी फोर थ्री, तो आप एक रोग है टिटनस, एक है टीबी, एक है ट्रेकोमा, टी यूं तीन रोग है टिटनस टीबी और ट्रेकोमा। ट्रेकोमा है वो आर एस 2018 में पूछी गई थी, ठीक है। अब इनको अलग से मैंने निकाला है, अलग से देखेंगे यहाँ आ नहीं रही है, और यहाँ वो शब्द का मतलब है बोटुलिज्म। कई बार आप खाणु खावा और आप उबाक सी आन लाजे आप यहाँ का फूड पॉइजनिंग होगी, यानी फूड पॉइजनिंग का अर्थ है भोजन विषाक्तता, तो ये किस जीवाणु से होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। बोटुलिज्म का अर्थ ही है भोजन विषाक्तता, तो ये दूषित भोजन जो आप खाते हैं बासी भोजन खावा भी हो जाएंगे, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए अपन। गोनोरिया, गो से मतलब है गोनोरिया, वो भी इंपॉर्टेंट रोग है बेटा, वो भी जननांगों संबंधित है, ये भी जननांगों से संबंधित है ना। तो इसका जो रोगजनक है वो है नाइसेरिया गोनोरी, और ये किससे फैलता है, संभोग से। तो दो रोग है इंपॉर्टेंट है संभोग से, एक तो अपने गोनोरिया है और एक अपना सिफिलिस है। अब जगह तीन रोग अठे बच गया, बन आपा देखा टिटनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये रोगजनक जीवाणु का नाम है। आप अगर कोई भी जंग लगेड़ो औजार अपने शरीर में प्रवेश कर दिया तो भी घाव हुएगा जीवाणु प्रवेश कर जाए, और टिटनस वो अपने अपना जबड़ा एवं जकड़न पैदा हो जाए। टीबी, टीबी को जो रोगजनक है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इंगो टिक्को पूछा को इंपॉर्टेंट है ना, और टीबी तो थान ध्यान है सारा हूँ ज्यादा यूं भी फेफड़ा प्रभावित हुआ थान ध्यान है, टीबी होता है यहाँ पर एक्सरे करामा, तो इससे भी प्रभावित होने वाले अंग कौन है, फुफ्फुस हैं।
श्वसन तंत्र, और इसका जो टीका है उसका नाम है BCG। बी का मतलब है बेसिलस, जी का मतलब है कॉलमेट, और जी का मतलब है ग्यूरिन। तीन नाम के आधार पर है खोजकर्ता। ट्रेकोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? आंख। कई बार आंख अपनी आंख सूजी अपना आंख आ गई मतलब आंख लाल हो जाए, तो वो अपना एक जीवाणु होता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, है ना। और ये आंख जो क्या व्यक्ति की दुख नहीं आइडिया बिंग अगर सागर कोई और लाग सी तो बिंग आ जैसे। अपने उम्मीद करते हैं कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग ट्रिक एक बार दोबारा देख लेना। पटाका से कूड़ी बिंगो नाम है टीना, तो पी से प्लेग, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, सी से सिफिलिस, कू से कुष्ठ रोग, डी से डिप्थीरिया, ना से निमोनिया, है ना। और नाम है मै से मेनिटाइटिस, है से हेजा, और टी तीन बनाना है टिटनस, टीबी, ट्रेकोमा, और बिंगो का मतलब है बो से बोटुलिज्म यानी भोजन विषाक्तता, और गोस गोनोरिया। उम्मीद करते हैं ये जो साइंस की आपकी क्लास चल रही है रीट में PSI में दोनों में 101% यहाँ से प्रश्न आने आना है। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको 50 रोगों के नाम अंगुलियों पर याद करा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।